देखा दोस्तों, आपने पूरा का पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो रखा है और उसको मुझे सही करना है, क्योंकि मेरे वजह से ही हुआ। आज मैं यहीं पे काम कर रहा था निर्वाचन का, तो काम से पूरा अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन अब रात को साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बहुत ही बेकार हो रहा है कमरा, तो आप देख सकते हैं। तो आज डिनर में जो मैं करूँगा वो खाऊँगा पनीर मंचूरियन, मतलब मंचूरियन पनीर, और वाइफ ने बनाया है। पहले कह रही थी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बनाना नहीं आता, प्लस फ्राइड राइस, तो पनीर मंचूरियन प्लस फ्राइड राइस का मैं आज डिनर करूंगा, जो मेरी डाइट में है, और साथ में थोड़ा रोस्टेड वेजिटेबल खाऊंगा। तो यही मेरी आज की रात की डाइट है, और मेरा सेकंड प्लान आ चुका है। एक्चुअली जो डाइटिशियन होते हैं उनका हर महीने का प्लान होता है, तो ये मेरा सेकंड प्लान कल से शुरू हो जाएगा, वो भी आ चुका है। मिस मानसी मेरी डाइटिशियन है, उनका चैनल डिस्पेंट्री बाई मानसी, ये इंस्टाग्राम में आप उनको फॉलो कर सकते हो, और बहुत अच्छी डाइटिशियन है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो जो बताया मैंने फॉलो किया, और उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। मैंने आपको जैसे बताया 4 किलो तक मैंने वेट कम किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे 86 है, मैं 70 किलो अपना वेट चाहता हूँ हाइट के अकॉर्डिंग। आपको जैसे पता होगा कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, तो वही मैं चाहता हूँ, और मैं करके भी दिखाऊँगा। तो अभी इवनिंग के 6 बज रहे हैं, और देहरादून में तो थोड़ी रात हो जाती है। जैसे जैसे जनवरी आते रहेगा, वैसे वैसे जो बड़े दिन है वो शुरू हो जाएंगे। आई थिंक 21 जून या कुछ होता है ऐसा, कि जिसमें बड़े दिन शुरू हो जाते हैं। तो सुबह से मैं काम कर रहा था, अपने ऑफिशियल काम कर रहा था, और फिर उसके बाद थोड़ी इधर उधर घूमा, थोड़ा मार्केट गया था। तो आज नींव भी घर के अंदर ही थी, क्योंकि थोड़ा ठंडा था। अभी बैठी भी है नीव, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो नीव क्या कर रही है। नीव ये देखो पटांग खेल खेल रही है, पटांग खेल खेल रही है। हाँ हाँ, थोड़ी खुश नज़र आ रही है शाम को, वैसे सुबह से ज़्यादा है शाम को ही खुश रहती है नीव। जवाब दे रही है आपको नीव। क्या ये हाँ, अभी नीव अभी बैठ नहीं पा रही है, अभी थोड़ा सहारा चाहिए उसको, कुछ दिन बाद बैठने लगेगी। तो न्यू टोपी बना रखी है, क्योंकि ठंडा हो रहा है, टोपी वैसे उतार देती है, और मंकी कैप नहीं बना रखी है इसको। एक स्माइल दे दो न्यू, एक स्माइल। नहीं नहीं नहीं, चलो न्यू ने थोड़ी सी स्माइल दे दी, इतना ही काफ़ी है। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप जरूर बताइए। इसके बाद आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, और आज मैं घुमा भी नहीं गई, ज़रूरी काम थे इसलिए उतना व्लॉग बना नहीं। तो थोड़ी देर में मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, मैंने आज किस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल पूरी अस्त व्यस्त पड़ी है, देखो आप देख सकते हो। ये देखो पूरा सामान बिखरा हुआ है यहाँ पर, और सुबह से मैंने टाचा पाचा नहीं काम कर रहा था मैं। ये देखो पूरे अस्त व्यस्त कमरा, इसको साफ करने में भी मुझे टाइम लगेगा, तो अभी करते हैं साफ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। आज मैं करने वाला हूँ अपना माइक्रोफोन का रिव्यू। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये है C1U बहरिंगर, ये बहरिंगर कंपनी का है C1U, और जो इसकी आवाज़ है वो बेहद ही बेकार है। आप सोच रहे होंगे मैं कहूँगा बहुत अच्छी है, जबकि ऐसी बात नहीं है, आवाज़ इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने गलती से ले लिया था, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ये बिल्कुल मत लीजिए। यहीं देहरादून में एक शॉप थी, वहाँ से मैंने ये लिया, और मुझे लगा ये बहुत अच्छा चलेगा, और लेकिन ये अच्छा नहीं चला। कंडेंसर माइक्रोफोन है ये, ये पड़ा था मुझे 5,500 का। तो मुझसे कहा गया था शॉपकीपर द्वारा कि काफ़ी अच्छा है ये, और अच्छा यूज़ करते हैं, इसमें सिंगिंग के लिए यूज़ होता है मेन, लेकिन मुझे तो ना ही सिंगिंग के लिए लगा अच्छा, ना किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं लगा, मतलब बोलने में, क्योंकि जब भी इसमें बोलते हैं इसको लैपटॉप में जुड़ाना पड़ता है, तो लैपटॉप की जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है जैसे लैपटॉप से आ रही होगी आवाज़, इससे नहीं आ रही होगी, बहुत स्लो आवाज़, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे। तो मुझे लगा मेरे 5,500 रुपये वेस्ट चले गए, इससे अच्छा ऑनलाइन में ले सकता था, ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे माइक्रोफोन थे, लेकिन नहीं लिया मैंने। एक आता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम,
वो बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इसका ये स्टैंड है, देखो ये पूरा स्टैंड है इसका। ये नीचे पे इसके ये तीन है टांगे हैं इसकी। तो ये इसका एरिया जो ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आ जाता है और यहाँ से बोला जाता है इसके बिल्कुल सामने से। फिर आवाज़ अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, सामने से भी बोलो चाहे चारों ओर से भेजो। इसके लिए आपको ऐसा माइक्रोफोन लेना चाहिए जिसकी आवाज़ जो है वो चारों तरफ से चाहे कहीं से भी बोलो अच्छी आए। तो अगर और ये निकल भी जाता है ना, ये इसको अगर यहाँ से खोलेंगे आप तो चारों ओर से घुमाएंगे तो ये निकल जाता है और आप हाथ पे पकड़ सकते हो। तो दोस्तों ये था कंडेंसर माइक्रोफोन जो मैंने बड़े मन से लिया था। अब मैं कोई दूसरा लूँगा थोड़ी अच्छी क्वालिटी का। इसको तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्वालिटी वाइज, 5 में से मैं 4 देना चाहूँगा। क्वालिटी ठीक है लेकिन आवाज़ के लिए बिल्कुल बेकार है। इसकी आवाज़ मैं 5 में से 1 देना चाहूँगा। प्राइस भी 5 में से मैं 1 देना चाहूँगा, प्राइस बहुत ज़्यादा है जिस हिसाब का माइक्रोफोन होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये बिल्कुल भी मत खरीदिए, बेहरिंगर का C1U माइक्रोफोन है ये। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।